देखिए असम में जो उल्फा का एजिटेशन स्टार्ट हुआ था ये 1987 में स्टार्ट हुआ था। बाद में ये पूरा एजिटेशन में हिंसात्मक रूप ले लिया था। ये पूरा कालखंड में 4,500 इनोसेंट लोग मारा गया। 2,100 अल्फा का कैडर मारा गया। 700 हमारा सीएपीएफ असम पुलिस आर्मी का जवान ऑफिसर्स मारा गया और 2,100 जैसा लोग लापता है। और इससे भी नंबर बढ़ेगा जब मैं म्यांमार और बांग्लादेश का जंगल में भी जो मारा था अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो 10,000 लोगों का हत्या हुआ या तो मृत्यु हुआ। और जो लोग मारा ये लोग भारतीय ही था, असमिया ही था। तो एक दुखद इतिहास था असम का। तो आज ये जो पीस अकॉर्ड हुआ इससे हम एक नया असम का कल्पना कर सकता हूं, एक विकसित असम, एक शांति में प्रतिष्ठित असम। तो आज का एकॉर्ड बहुत ही ऐतिहासिक है, कल्मिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ मिलिटेंसी इन असम। तो आज का दिन एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट आउटरीच है इसका एक बहुत बड़ा कामयाबी है और मोदी जी का आशीर्वाद कारण ही यह संभव हुआ। गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो एकदम डे टू डे नॉर्थ ईस्ट के लिए वो सोचते रहा, निरीक्षण करते रहा, उनका मार्गदर्शन में ये एकॉर्ड हुआ। मेरा लगता है इससे असम में स्थायी शांति आ जाएगी। ये एकॉर्ड हो या ना हो, हमें जो लोकसभा का सीट मिलना है वो तो हम मिलेगा, लेकिन मैं इस एकॉर्ड को पॉलिटिक्स का साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं। ये एकॉर्ड असम का अमन शयन के लिए है। तो हमें इस एकॉर्ड को नॉन पॉलिटिकली देखना चाहिए और इसको चुनाव का दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन देखिए विपक्ष जाए या ना जाए उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलाला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है उसमें भी आप अपना दाम अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है। हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हूं कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। लेकिन आपको तो विधिवत इनविटेशन आया है, आपको क्या सोचना है? आपको जाना चाहिए, रामलाला का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर आप रामलाला का साथ भी लेन देन का बात करेगा कैसे चलेगा?